लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका। और हम बैठे हैं शनि शक्ति धाम सीसवाड़, और हमारे पास बैठे हैं वहाँ के मंत्री जगदीप जी महाराज जी। विशेष सूचना आपको देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है। 13 तारीख को पूर्णवासी है, और पूर्णवासी में महासंगम होने जा रहा है। उस दिन विशेष झाड़ा लगाया जाएगा, पूर्णवासी को विशाल भंडारा और विशाल रोग निवारण समागम है भाई। कोई भी किसी तरह का रोग हो उसको विशेष झाड़ा लगाया जाएगा, उसकी विशेष अर्जी यहाँ पर लगाई जाएगी। जिस भाई को भी, जिस बहन को भी कोई भी कष्ट है किसी तरह का, वो यहाँ शनि शक्ति धाम में 13 तारीख को सुबह आ सकते हैं। यहाँ पर भंडारा है, पूरा दिन भंडारा चलेगा, पूरा दिन अर्जियाँ लगेंगी और विशेष झाड़ा लगाया जाएगा, चाहे कोई भी बीमारी हो आपके। तो बात कर रहे हैं गुरुजी से, प्रणाम आदेश जी। प्रणाम जी। तो गुरुजी हमें बताएंगे कि ये विशेष झाड़ा पूर्णवासी को किस समय कैसे लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 3 शनिवार को आने से, और एक विशेष झाड़ा हर पूर्णिमा को लगाया जाता है। जो 3 शनिवार लगवाता है, एक पूर्णवासी को लगवाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कष्ट है, रोग है, किसी प्रकार की मनोकामना है, वो पूरी हो जाती है। तो 13 जुलाई को बुधवार को पूर्णिमा है, हर पूर्णिमा को मंदिर में एक विशेष झाड़ा लगाया जाता है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो शारीरिक, नौकरी न लगती हो, कोई मकान न बनता हो, संतान की प्राप्ति न होती हो, और भी कोई आपके आदि व्याधि, जैसे कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, सोराइसिस है, या बीमारी नहीं लग रही है, भी कोई बीमारी है, दवाइयाँ नहीं लग रही है उसके, इन सब से संबंधित एक हर पूर्णिमा को विशेष झाड़ा लगाया जाता है, विशेष अरदास लगाई जाती है। अगर जे कोई भी यहाँ शनि धाम में आके उस दिन झाड़ा लगवाएगा और अरदास लगवाएगा, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। किसी भी प्रकार की मनोकामना है, कोई संतान प्राप्ति चाहता है, विवाह नहीं हो रहा है किसी का, नौकरी चाहता है, कोई मकान नहीं बन रहा है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में रुकावट आ रही है, या और भी किसी प्रकार का कष्ट है, मान लो कैंसर हो, थायराइड हो, शुगर हो, लकवा हो, या कोई भी असाध्य बीमारी जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि दवाई नहीं लगेगी या ठीक नहीं होगा, उससे संबंधित झाड़ा लगेगा और दूसरे कार्य से संबंधित अर्जी लगाई जाएगी। एक विशाल समागम होता है, ये हर पूर्णिमा को होता है। सुबह 10 से 11 सुंदरकांड का पाठ होता है, 11 बजे आरती होती है एक विशेष, उसके बाद सभी की सामूहिक एक अरदास लगाई जाती है, झाड़ा लगता है। किसी की ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, उसके के लिए एक विशेष प्रकार का ताबीज़ दिया जाता है। अगर जे किसी भी भक्तजन को कोई संकट है, कोई किसी प्रकार के कोई कार्य जो सिद्ध करवाना चाहता है, तो मेरी भक्तों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक दिन पधारे, ताकि आपके सभी संकटों का, कष्टों का, सभी बीमारियों का निवारण हो सके। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, भंडारे के बताता। हाँ जी, भंडारा और बता दीजिए। उस हर पूर्णिमा को विशेष भंडारा लगाया जाता है, सुंदरकांड के पाठ के बाद भंडारा लगता है। तो जो भी भक्तजन यहाँ पधारते हैं, सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था है। तो मेरी सभी से, भक्तों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, कष्टों का निवारण करवाइए और भंडारा ग्रहण करिए। हर पूर्णिमा को कोई भी वार हो चाहे, हर पूर्णिमा को भंडारा लगता है, एक विशेष अरदास, विशेष झाड़ा लगाया जाता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये 13 जुलाई को पूर्णवासी है, और 13 जुलाई को आना न भूलिएगा। एक बार अवश्य आके देखिएगा, आप सोच भी नहीं सकते, अचंभित रह जाओगे। ऐसा चमत्कारित, अच्छा चमत्कारिक धाम है ये शनि धाम, और शनि सिंगनापुर के महाराजा, न्याय के देवता, हर किसी का कष्टों का निवारण सेकंडों में करते हैं। और आप आए इसको खुश, ये शनिदेव खुश, सब कुछ खुश। तो 13 जुलाई को आना न भूलिएगा, शनि बुधवार को शनि शक्ति धाम सीसवाड़। रास्ता सुन लीजिएगा आप, इसार से भादरा रोड पर कावरेल है, कावरेल उतरिएगा आप,
बस में आते हैं तो निसादन से आते हैं तो काबरेल, काबरेल से शीशवाड़ रोड पे, आदमपुर रोड पे, काबरेल से आदमपुर रोड पे एक किलोमीटर चलते ही शनि शक्ति धाम है। विशाल मूर्ति और विशाल गेट के ऊपर शनि की मूर्ति और हनुमान जी की 41 फुट ऊंची मूर्ति आपको दिखाई दे जाएगी और वहाँ धाम है। और इधर से आदमपुर से आप काबरेल आ सकते हैं और भादरा से भी आप काबरेल आ सकते हैं, काबरेल से ही शीशवाड़ की तरफ जाते हैं तब ये शनि शक्ति धाम है। बस से आता है, अगर जो कोई भी यात्री इसार बस स्टैंड पे आता है तो बूथ नंबर 12 से शनि शक्ति धाम शीशवाड़ के लिए टाइम टू टाइम बसें चलती रहती हैं। जी बूथ नंबर 12 से इसार में बूथ नंबर 12 से शनि शक्ति धाम के लिए बसें मिलेंगी आपको शीशवाड़ के नाम से। आप वहाँ से बैठिए और शनि शक्ति धाम पे उतर जाइए। आपको ड्राइवर से बोलिए कि शनि शक्ति धाम पे उतरना है तो अवश्य आपको उतार देंगे वहाँ। तो बूथ नंबर 12 इसार में याद रखिएगा। देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि हर उस दुखी व्यक्ति तक पहुँच जाए जो संकटों से घिरा है, दुखों से घिरा है और उसका कहीं भी कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है। तो एक बार शनि शक्ति धाम में आएं और अपनी आंखों से देखें चमत्कार। जय हिंद, नमस्कार।